हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं उस रोज मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और नए तरीके का पराठा, जो आज तक आपने इस तरीके का पराठा कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो आप मिस कर देंगे तो पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बनाने के लिए मैंने लिया है पालक। पालक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो हमें पालक की सब्ज़ी या पालक का कोई भी नाश्ता, पालक की हर चीज़ हमें खानी चाहिए, क्योंकि विटामिन सी भरपूर मात्रा से पाया जाता है। कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है और हमारे आयरन की कमी को भी दूर करता है पालक। तो ये सबसे मेन होता है जो पालक खाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक बाउल में डाल लिया है पालक को, थोड़े से मोटे टुकड़ों में कट करके। थोड़ा सा मैंने लिया है पानी, तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। तो दोस्तों सबसे जो हरी सब्जियों में जो हरी सब्जियाँ जो भी मिलती हैं वो सर्दियों में ही बहुत ही अच्छी होती हैं, तो सर्दियों में हमें खानी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसको देख सकते हैं चमची की हेल्प से अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं पालक हमारा बॉईल हो चुका है, तो थोड़ी देर के लिए हमें और इसको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए हमें और इसको बॉईल करना है, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए जो हमारा पालक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पालक हमारा बॉईल हो रहा है इस तरीके से। और दोस्तों पालक हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को भी ख़त्म करता है, तो हमें पालक का सेवन करना ही चाहिए। हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे बॉईल हो चुका है, मैंने हल्का सा ठंडा करके और इसको जार में डाल दिया है। तो जार में डाल देने के बाद में यहाँ पर मैंने लौंग, काली मिर्ची और अदरक लिए, थोड़ी सी लहसुन लिया है, थोड़ा सा मैंने एक टुकड़ा अदरक का डाला है। हम 2 से 2.5 चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, सौंफ लिए 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। तो सभी मसाले मैंने डाल दिया है, लास्ट में डाल देते हैं नमक। तो अब इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैटर पीस चुका है, यहाँ पे मैंने लिया है गेहूँ का आटा। आटा आपको इतना लेना है जितने आपके घर में मेंबर हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। और अब इसको जो मैंने पालक को पीसा था, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालेंगे। और अब इसका हम आटा लगा लेते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो दोस्तों ये आप जो मैं बनाने जा रही हूँ, जो सुबह आपके बच्चों के लिए टिफिन में भी दे सकते हैं, बहुत ही हेल्दी भी रहेगा। और बच्चे पालक नहीं खाना पसंद करते हैं, वो भी खाना पसंद करेंगे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस तरीके का नाश्ता देख करके, इस तरीके का पराठा नए तरीके का देख करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इसका आटा तैयार कर लेते हैं। तो इस टाइप से मैंने आटा लगा लिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है चकला। तो अब हम बना लेते हैं इसका पराठा नए तरीके से, वो भी बहुत सारी लहर वाला, बहुत सारी परतों वाला। तो जितनी मैंने रोटी जो बनाते हैं ना, उस तरीके का उतना ही मैंने आटा लिया है। और अब इसको हम बेलेंगे बिल्कुल गोल। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा ही बेलते हैं, इस तरीके से बेल लेते हैं जैसे रोटी की शेप में आप बेलते हैं ना, उसी टाइप से बेलना है। तो यहाँ पे मैंने बेल लिया है। और यहाँ पे मैंने देख सकते हैं इस पे मैंने थोड़ा सा घी लगाया था, घी लगा करके इस तरीके से मैंने कट भी कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट किया है। तो दोस्तों ऐसे जो पराठे बनते हैं ना, उनको देख के ही खाने का मन करता है। तो इसी टाइप से हम इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से ये कट हो चुका है, और मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसको कट कर रही हूँ, तो आप चाकू की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। तो ये लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में ये कट हो चुका है। तो अब इसको हमें फोल्ड करना है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए लेके आना है इसको। तो आप दोनों हाथों की हेल्प से भी फोल्ड कर सकते हैं इसको। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से घुमा घुमा करके हमें इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो चुका है। और अब इसको हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं इस तरीके से। और मैं पहले से इस पे घी लगा लिया था, देख सक आपको दिख रहा होगा,
क्योंकि ये चिपकेगा नहीं, इसकी एक एक परतें अच्छे से निकल जाएगी। तो थोड़ा सा घी मैंने और लिया है और अब इसको हम दबा देते हैं इस तरीके से दबा करके, और इसको हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा परतों वाला बन चुका है ये। तो हल्के हाथों से, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा परतें निकलेंगी, तो इस तरीके से देख सकते हैं हमें इसको हल्के हाथों से ही बेलना है। तो ये बेल चुका है, देख सकते हैं इसकी तो परतें पहले से निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये हमारा बेल चुका है, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है तवा, तो तवा पहले से हमारा गर्म था तो मैंने तवे पे डाल दिया है। और अब इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं। तो एक साइड से सिक चुका है, एक साइड से सिकने के बाद में हम इस पर घी का यूज करेंगे। तो इस तरीके का नाश्ता बनाएंगे तो दोस्तों खाने का जो टेस्ट है बहुत ही अलग आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अलग ही दिखेगा, खाने में भी इसका जो टेस्ट है अलग ही लगेगा। और बच्चे तो देख करके ही खाने का मन करेगा। तो आपका जो बच्चे पालक नहीं खा पाते हैं तो इस तरीके से बना के दे सकते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे और कुछ नया भी दिखने को, जो नया भी देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मैंने सीख चुका है, तो यहाँ पे मैंने लिया प्लेट, तो इसको गर्मा गर्म प्लेट के में मैंने सर्व कर लिया है। तो आप इसको किसी भी चटनी के साथ में दोस्तों सर्व कर सकते हैं, किसी भी अचार के साथ में, किसी भी चटनी के साथ में इसको खा सकते हैं। तो इसकी देख सकते हैं बहुत सारी परतें निकल चुकी है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके का नाश्ता ज़रूर बनाएं और सभी को खिलाएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।